साफिया एक यहूदी लड़की थी। मोहम्मद ने उसके माता पिता और भाइयों को मार डाला और उसी रात उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए और बाद में मोहम्मद ने उससे शादी कर ली। अब देखते हैं कि मुसलमान इसका बचाव करने के लिए क्या कहते हैं। जी फराज अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। आप कैसे हैं भाईजान और कहां से हैं? जी मुस्लिम साहब, बात करना पसंद करेंगे। आप समझा सकते हैं मुझे, ये रसूल अल्लाह ने इस तरीके से क्यों किया सफिया के साथ? समीर भाई, वो पहले पहले से, मतलब रसूल अल्लाह के पहले ही, नबूवत के पहले ही वो कल्चर चल रहा था वहाँ पे, ठीक है? तो रसूल अल्लाह ने वो कल्चर को थोड़ा रिलैक्स कर दिया था। ये सब जो है पूरी वॉर जोन थी, काफिर मुसलमानों को मार डाल रहे थे, मुसलमान काफिरों को मार रहे थे, तो जब वॉर होती है तो ये सब चीजें तो होती है ना। खत्म नहीं किया था, मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं किया था, तो थोड़ा रिलैक्स कर लिया था। नहीं तो आपके मुताबिक ये अगर कोई कल्चर पहले से चल रहा है, उसको लोग अच्छा नहीं समझते, तो नहीं, उस कल्चर को रसूल अल्लाह ने खत्म नहीं किया बल्कि आगे प्रैक्टिस भी किया और फॉलो भी किया, तो रसूल अल्लाह ने कौन सा अच्छा काम किया? नहीं, वहाँ पे तो अच्छा ही समझते ना कल्चर, क्योंकि जिसके पास पावर था वहाँ पे समझते थे। हम नहीं समझते, हम नहीं समझ रहे। अच्छा, हमें बुरा लग रहा है, अब हम क्या करें? तो आप टाइम ट्रैवल करके वो बदली कर दो, चेंज कर दो ना, टाइम ट्रैवल करके चेंज कर दो। आपको गलत लग रहा तो अब जो बीत चुका है वो थोड़ी ना चेंज हो सकता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही। क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसको कयामत तक नमूना बनाकर भेजा गया, उसको फॉलो करना है, अगर वो ऐसी हरकतें करता है तो डेफिनेटली फिर उस पर सवाल उठाए जाएंगे। जिसको 2 बिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं जिस प्यारे रसूल को, उसे कम से कम आम इंसानों जितना तो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। तो अमेजन लाइव जी कह रहे हैं समीर गुस्ताखी बंद करो। अरे मेरे भाई, गुस्ताखी तो मैं करता ही नहीं, मैं तो रेफरेंस से बता रहा हूं आपको। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आके साबित करो। तारीख अल तबरी के अंदर ये नहीं है, सीरत इब्ने साक के अंदर ये नहीं है, और साबित करो आपके रसूल अल्लाह को रहमतुल्लिल आलमीन, और साबित करो कि सफिया का नहीं किया आपके रसूल अल्लाह ने, और साबित करो कत्ल नहीं किया मासूमों का आपके प्यारे रसूल अल्लाह ने, ठीक है? ये भाईजान का मिस रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है। आपको उन हदीसों पर एतराज नहीं है फराज भाई? वो जो आपका ईमान है ना, वो जो आपका यकीन है कि रसूल अल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, वो आपको ये बात कबूल नहीं करने दे रहा है, इसलिए आपने कह दिया कि मिस इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, बार बार एक ही बात कह रहे हो कि उस वक्त ये आम था, मुझे तो ये बुरा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, ये बताओ। देखो, अगर मेरे पे गुजरेगी ना तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, ठीक है? अगर मेरे हाथ में पावर रहेगा तो, मेरे हाथ में पावर रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास, मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जंग जीता हूँ। क्या फायदा हो रहा है? माले गनीमत मिल रहा है मुझे, ठीक है? गुलाम मिल रहा है, माले गनीमत मिल रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लड़की जिसके बाप और जिसके भाई को अभी थोड़ी देर पहले ही कत्ल किया है, अगर आप उसको अपने खेमे में ले जा करके उसके साथ ये काम कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है? और आप लड़कियों का बंटवारा कर रहे हो और बांट रहे हो उनको लोगों को, ताकि उनके साथ डिंगडोंग किया जा सके, रेप किया जा सके, और जब अपनी ख्वाहिश भर जाए, खत्म हो जाए, तो उसके बाद उनको मार्केट में ले जा करके बेचा जा सके, क्या जंग के उसूलों में ये भी उसूल जरूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि तुम्हारे साथ हो तो बुरा लगेगा, और तुम दूसरों के साथ करो तो तुमको अच्छा लगेगा। तुम ज़ॉम्बी हो, ब्रेड एंड ज़ॉम्बी, और जो तुम कभी समझने वाले नहीं हो। इससे ज्यादा मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब तुम निकल जाओ यहाँ से सीधा। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपने किसी के साथ निकाह नहीं किया, आज ही उसके बाप और भाई को और उसके उसके हस्बैंड को आपने कत्ल किया, फिर उसको आप अपने साथ उठा के ले आए, फिर आपने खेमा सजा करके उसको अंदर ले जा करके उसके साथ तो पट्टी कर दी, तो आप इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? चलें, मुझे जवाब दे दो, क्या है ये? और मेरे हाथ यहां है, ये भी चले गए, ये भी चले गए। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस्लाम से बाहर आ पाए। कमेंट करना ना भूले। EX मुस्लिम समीर को सब्सक्राइब करो।